वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं पी वाई क्यू सीरीज। तो जो ये पी वाई क्यू सीरीज है, आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए ध्यान से आप पूरी वीडियोस को देखिएगा। जो प्रश्न आपको आते हैं उन्हें चाहे आप नोट मत करना, जो प्रश्न नहीं आते हैं तो आप उन्हें अपनी कॉपी पे अवश्य नोट करिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आज का जो मोटिवेशनल कोट है उसे देख लेते हैं। क्या है ये? संसार में परिवर्तन तो तय है, वो चाहे हृदय का हो या फिर समय का। देखिए कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर कोड दिया गया है कि जो ये संसार है इसमें परिवर्तन तय है। प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्वरूप में आप इसे अपना सकते हो, चाहे किसी के हृदय की बात कहें या फिर समय की। मेन हम यहाँ पर कहेंगे समय की। क्यों? मान लीजिए वर्तमान में किसी के बुरे दिन हैं, तो ये निश्चित है कि उसके अच्छे दिन भी आएंगे ही आएंगे। ये अच्छे दिन कैसे आएंगे? वो आएंगे आपके, अगर आप अपना कर्म करते रहते हो। आपका कर्म क्या है? अधिक से अधिक पढ़ना। अगर आप वर्तमान समय में अपना कर्म करते रह रहे हैं, मान लीजिए वर्तमान समय में ऐसी परिस्थिति है कि कोई हमें आगे पीछे जॉब इत्यादि की कोई भी पोस्ट नहीं दिखाई दे रही है, कि अभी जॉब निकलनी है या नहीं निकलनी, एडमिशन निकलना है या नहीं निकलना है, KBS निकलना है या नहीं निकलना है, NBS निकलना है या नहीं निकलना है, हमें कोई भी इस समय कोई एक रूपरेखा होती है ना, वो दिखाई नहीं दे रही है। परंतु हमें क्या करना है? बैठ जाना चुपचाप? नहीं, हमें बैठना नहीं है। दिन प्रतिदिन अपना जो हमारा कर्तव्य है उसे करते रहना है। बोलते हैं ना, अगर बरसात नहीं आएगी तो क्या किसान हल जोतना छोड़ देगा? नहीं, किसान हल जोतना नहीं छोड़ता। जिस तरह से किसान हल जोतना नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार क्या आप अपना जो आपका कर्तव्य है पढ़ना छोड़ दोगे? नहीं। अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया तो आपका जो कर्म है वो निकृष्ट हो जाता है। ठीक है, किसी भी हालत में अपने पढ़ने को आपने नहीं छोड़ना है। सिर्फ पढ़ने तक की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई अलग से अगर आपका कार्य है उसको करते रहिएगा। हमारा जो चैनल है ये स्टडी चैनल है, इसलिए पढ़ने पे ज्यादा फोकस करता हूँ। आप पढ़ते रहिएगा, एक दिन जरूर आएगा जब आपका नाम अखबारों में होगा, जब आप चमकोगे, जब आपका नाम सोशल मीडिया में होगा। ठीक है, उस दिन के लिए पढ़िए जिस दिन आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, उस दिन के लिए पढ़िए जिस दिन जो आपको प्रोत्साहित करता है, आपका भाई बहन पति इत्यादि जो मर्जी है, ठीक है, उनके नाम को चमकाने के लिए पढ़िए। उस दिन के लिए पढ़िए जो आपके घर वालों के लिए प्रश्न चिन्ह उठाता है, आपके लिए प्रश्न चिन्ह उठाता है कि आप इसे क्यों पढ़ा रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। उस दिन के लिए पढ़िए जब आपने अपने आप से कोई वादा किया हो उसको पूरा करना हो। ठीक है, समय निश्चित है कि बदलेगा, परंतु ये आपके ऊपर निर्भर है कि किस तरह से बदलना चाहते हो। क्या आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करके बदलना चाहते हो, या फिर लोगों की बातों को सही करवाने के लिए बदलना चाहते हो? ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर है। अधिक से अधिक मेहनत करिए। जो आपकी वर्तमान में एल्टीटेट की परीक्षा है या फिर कोई अलग परीक्षा आने वाली है, उसके लिए तन मन धन से पढ़िए। आप अवश्य कामयाब होंगे अपने लक्ष्य के प्रति, अपनी मंजिल के प्रति। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए क्या है लेक्चर। आपको पता है पी वाई क्यू हम डिस्कस कर रहे हैं। जो ये पी वाई क्यू है प्रत्येक परीक्षा के लिए आपकी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यान से आपने सारे लेक्चर देखने हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको दिखा देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं एल्टीटैट के लिए, क्योंकि इस समय एल्टीटैट की ही परीक्षा आपके नज़दीक है, तो इसके लिए हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। कोई भी अगर आप में से इंटरेस्टेड होगा तो इन हार्ड कॉपी नोट्स को अपने घर मंगवा सकता है और अधिक सुदृढ़ तरीके से स्टडी कर सकता है, अधिक फोकस कर अपनी स्टडी को कर सकता है। ठीक है, कोई क्वेरी रहती है नोट्स को मंगवाने के लिए तो यहाँ पर हमारा ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7650017294। इस पे आप व्हाट्सएप करिए, इसमें आपको 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आधारित होंगे। ठीक है, हार्ड कॉपी होंगे, तो कोई क्वेरी रहती है तो आप अवश्य संपर्क करिएगा। और एल्टीटेट और एल्टी कमीशन के लिए भी हमारे ऑनलाइन बैच चले हुए हैं। समय फिलहाल एल्टीटेट के लिए कम चला हुआ है। अगर आपके नियर डियर कोई एल्टीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अगर आप स्वयं कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर आप क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अधिक समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो पिछले लेक्चर में एक प्रश्न आपसे ये पूछा था मैंने, सारस की जोड़ी मुशायरे या फिर मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो जिसने भी उत्तर दिया है या नहीं दिया है, एक और अच्छी बात है आप लोग उत्तर नहीं देते हैं। खैर पता नहीं क्यों नहीं देते हैं, ज्यादा विद्वान हैं आप लोग या पता नहीं क्यों, उत्तर देने चाहिए, ठीक रहता है आपके लिए ही। खैर कोई बात नहीं, चलिए मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। सारस की जोड़ी मुशायरे का अर्थ क्या है? तो 101 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा अंतरंग मित्र, अर्थात जो आपका घनिष्ठ मित्र हो, आपके सुख दुख में आपके साथ हो। हाँ, एक और चीज,
सुख में भले ही अगर आपके साथ कोई हो या ना हो तो कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है। सुख में अधिक लोग आपके साथ रहने के लिए उत्साहित होते हैं या फिर अच्छा मानते हैं कि इसके सुख में हम रहें, परंतु जो दुख में आपके साथ होता है वही आपका अंतरंग मित्र होता है, वही आपका सच्चा मित्र होता है। ठीक है, दुख केस में जो जो आपके साथ हो उसको आपने याद रखना है, सुख केस में तो दुनिया भर के लोग आपके साथ होते हैं। तो सारस की जोड़ी मुहावरे का अर्थ होगा अंतरंग मित्र। मुहावरे आपने पढ़ के जाने हैं क्योंकि परीक्षा में मुहावरे पूछे जाते हैं। प्रश्न है 102, गुलर का फूल मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जो गुलर का फूल मुहावरे का अर्थ होगा तो वो हो जाएगा आपका असंभव अथवा दुर्लभ वस्तु। गुलर का फूल कैसा होता है? असंभव होता है या फिर दुर्लभ वस्तु होती है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 103, गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो बताइएगा गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हुआ? मुहावरे भी काफी ज्यादा पूछे गए थे इस प्रश्न पत्र में। इसका अर्थ होगा बढ़ चढ़ कर बातें करना, गाल बजाना बढ़ चढ़ कर बातें करना, सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए 104, केशवदास को फुटकल कवियों में स्थान दिया किसने? बार बार ये प्रश्न आपसे बताता था मैं कि जो केशवदास है इन्हें फुटकल कवियों के अंतर्गत स्थान दिया गया था, किसके द्वारा? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने इन्हें फुटकल कवियों के अंतर्गत स्थान दिया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए जो केशवदास का समय है वो है 1555, क्या है 1555 ईस्वी के आसपास, 15 नहीं 1555, 1555 के आसपास है। ये वो समय है जो आदि जो भक्ति काल में भी आता है और रीति काल में भी। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे वो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जो केशवदास है ये रीति काल के अंतर्गत नहीं आते, ये बीच में आते हैं, रीति काल और भक्ति काल के बीच में। जो केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ना तो रीति काल में पूर्णतः स्वीकार करते हैं, भक्ति काल में थोड़ा सा करते भी हैं, इसलिए उन्होंने भक्ति काल के अंतर्गत जो फुटकल कवि हैं उनके अंतर्गत रखा है केशवदास को। और जो रामचंद्र शुक्ल है ये केशवदास को रीति काल का प्रवर्तक स्वीकार नहीं करते, ये चिंतामणि को रीति काल का प्रवर्तक स्वीकार करते हैं, परंतु वास्तविक आधार पर अगर रीति काल का प्रवर्तक स्वीकार किया जाए सर्वमत के अनुसार तो वो केशवदास स्वीकार किए जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 105, आलसियों का यह मूल मंत्र किसका है? अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। अगर ये पूछा जाता दास मलूका कहेंगे तो आप तो सीधे उत्तर लगा लेते कि मल्लूक दास, परंतु ये पूरा कथन नहीं पूछा जाता। इतना ही पूछा जाता है कि अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम किसका मूल मंत्र है? तो जो ये मूल मंत्र है ये हो जाएगा कुंभन दास के लिए, कुंभन दास का। और किसके लिए कहा गया है? आलसियों के लिए, जैसे हम आप लोग आलसी होते हैं उनके लिए कहा गया है कि अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम। ठीक, और जो मल्लूक दास है ये आपके संत कवियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो निर्गुण संप्रदाय के एक तरह से कवि थे या संत थे। अनुचित मेल कौन सा है? तो 106 में जो अनुचित मेल होगा, 106 में जो अनुचित मेल होगा तो वो होगा विकल्प ए। जो अवधि है इसका जोड़ा खड़ी बोली के साथ नहीं होगा तब ये अनुचित मेल है। बाकी ब्रजभाषा बुंदेली सही मेल है, मैथिली मगही सही है, मालवी और मेवाती ये सही होगा, विकल्प ए सही नहीं है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 107, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना एवं पुनः पुनः स्थापना हुई, कब हुई ये बताना है यहाँ पर। तो 107 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा जो प्रयाग सम्मेलन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, इसकी स्थापना हुई थी 1910 में, और जो पुनः स्थापना हुई ये 1940 ईस्वी में। ये तथ्य याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए तथ्य आपके समक्ष लाता हूं मैं। 107 का ए। अगला प्रश्न है 108, खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम क्या है? खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम, तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा हिंदुस्तानी। खड़ी बोली का प्राची खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम ये हिंदुस्तानी था। हिंदुस्तानी से तात्पर्य होता है इसमें संस्कृत और हिंदी के शब्द तो होंगे ही होंगे, साथ में उर्दू के भी शब्द होंगे, इसलिए से हिंदुस्तानी भी कहा जाता था शुरुआत में। कई ऐसे विद्वान थे जो खड़ी बोली के पक्षधर थे, जैसे राजा लक्ष्मण सिंह, ये जो हिंदी के शुरुआती प्रचारक और प्रसारक थे, ये चाहते थे कि खड़ी बोली जो हिंदी का खड़ी बोली
वाला रूप हो, परंतु जैसे राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद थे, ये भी हिंदी के शुरुआती कर्ता धर्ता थे, ये चाहते थे हिंदुस्तानी हो, उर्दू निष्ठ हिंदुस्तानी, ठीक है, कई संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली चाहते थे। ये भी अगर आगे प्रश्न आएगा तो वहां पर अच्छे से व्याख्या करूंगा इनकी मैं। अगला प्रश्न देखिए 109, राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है, किसके अंतर्गत हिंदी राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद का वर्णन किया गया है, तो वो यहाँ पर बताना है 109 में। तो 109 में सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा से संबंधित तथ्यों को बताया गया है, अनुच्छेद है ये, ठीक है, 343 से 351 तक। अगला प्रश्न है 110, इनमें से प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो दिए गए विकल्पों के अनुसार जो प्राचीनतम भाषा होगी तो वो हो जाएगी वैदिक संस्कृत। संस्कृत तो है परंतु संस्कृत से पहले आती थी वैदिक संस्कृत, ठीक है, तो वैदिक संस्कृत सबसे पहले, फिर संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, ये क्रम सही होगा, ये आपने याद रखना है। अगला है 111, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो दिए गए शब्दों में से जो पुल्लिंग नहीं होगा तो वो हो जाएगा विकल्प प्रदर्शनी, ये स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग, बंदरगाह, ताला, दही, ये तो होंगे पुल्लिंग, परंतु प्रदर्शनी ये होगा आपका स्त्रीलिंग। हम गलत कहते हैं, कई बार हम बोलते हैं कि कहीं पे दुकान में जाते हैं कि हमें एक पैकेट दही का दीजिए, दही की दीजिए, ऐसा बोलते हैं ना, दही खानी है हमने या दही लेनी है, तो ऐसा नहीं होता, दही खाना है, दही लेना है, दही मांगना है, ये पुल्लिंग है दही। अगला प्रश्न देखिए, स्त्रीलिंग शब्द छांटिए, 112 में सही विकल्प बताना है, तो यहां पर जो 112 का सही विकल्प होगा अहिंसा, हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए, महात्मा गांधी का एक तरह से मूल मंत्र था अहिंसा नहीं करनी है, करनी है, जब आप शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, हमें अहिंसा नहीं करनी है, तो पता चलता है ये कैसा शब्द है, अहिंसा स्त्रीलिंग है, बाकी चीर, चुंबन, गौरव, ये सारे पुल्लिंग शब्द होंगे। अगला प्रश्न है 113, निम्न विकल्पों में से शुद्ध विकल्प चुने, दिए गए विकल्पों में से जो शुद्ध विकल्प होगा तो वो कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा आपका, वह जितना घमंडी है तब नहीं था, ये तो शुद्ध नहीं होगा, वह जितना घमंडी है उतना तब नहीं था, ये भी नहीं, वह जितना घमंडी तब है अब नहीं था, ये भी नहीं होगा, यह जितना घमंडी अब है उतना तब नहीं था। हाँ, यहाँ पर जो सही विकल्प होगा 113 में तो ये होगा विकल्प डी, यह जितना घमंडी अब है उतना तब नहीं था, तो डी सही विकल्प। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िएगा, जो पेड मेंबर है उनको व्हाट्सएप में ही पीडीएफ दे दी जाएगी, जो पेड मेंबर नहीं है उनको टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, और इंस्टाग्राम में भी आपको पीडीएफ देता रहता हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप में भी, परंतु थोड़ा सा समय के हिसाब से देता हूँ, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में आपको पहले ही पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां पर आप जाकर जुड़ सकते हैं। 114, निम्न विकल्पों में से शुद्ध विकल्प चुने, तो दिए गए विकल्पों में से जो शुद्ध विकल्प होगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, तुम क्यों लौट आए, यह शुद्ध, तुम वापस क्या लौट आए, तुम लौट कर वापस क्यों आए, कोई नहीं, तो इसलिए जो यहां पर ए और सी तो गलत होंगे, परंतु जो शुद्ध होगा तो वो होगा विकल्प बी, तुम क्यों लौट आए, 114 का बी। अगला प्रश्न है 115, ताल ठोकना मुहावरे का अर्थ है, तो मुहावरे आप अधिक से अधिक पढ़ के जाइएगा क्योंकि पूछे जा सकते हैं आपसे मुहावरे, रुकिएगा मैं आपको मुहावरे भी थोड़ी सी करवा ही देता हूँ, ताकि अगर परीक्षा में अगर आपसे मुहावरे पूछे जाएं तो आप इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कई चीजें जिन पे मैं जोर देता हूँ आपको वो पढ़नी ही है, इससे ये होता है कि परीक्षा में इसी तरह के कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इन्हें सही भी कर सकते हो, अगर पढ़ोगे तो सही करोगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं करोगे, थोड़ा सा आपके ऊपर भी निर्भर रहता है कि जो चीजें मैं आपको जोर देकर कहता हूँ पढ़ने के लिए आप उन्हें पढ़ते हैं या नहीं, अगर पढ़ते हो तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाभ परीक्षा में मिलता ही है, ठीक है। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के साथ भी इन्हें शेयर करना है आपने, ताकि उन्हें भी इस चीज का लाभ मिल सके, क्योंकि जो शिक्षा है जितना अधिक आप इसे बांटोगे उतना लाभ मिलता है, ये नहीं सोचना है कि अगर अपने मित्र को ये शिक्षा बांटूंगा तो उसको ज्यादा लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, दिमाग सभी के पास बराबर होता है, कितना कोई ग्रहण करता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है।
अब देखिए थोड़ी सी चीज आपको बता देता हूं मैं। जैसे देखिए कोई लगभग आपको 15-16 बता देता हूं मुहावरे। आंख ना दीदा काले कसीदा, आंख ना दीदा काले कसीदा का अर्थ क्या है? तो यहां पर जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका परेशान होना। क्या होगा? परेशान होना। नहीं, परेशान नहीं होगा, इसका क्या अर्थ होगा? आंख ना दीदा काले कसीदा, इसका अर्थ होगा डिंग डिंगे मारना, अर्थात घुसिया मारना। हम लोग शब्द में कहते हैं ना घुसिया मारना, वही है ये डिंगे हाँकना। अर्थात मेरे तो भाई दस दस मतलब बड़े बड़े घर हैं, मेरे पास तो मर्सिडीज है, मेरे पास तो हर कुछ चीजें, जो लोग बोलते हैं ना उन्हें डिंगे मारना कहता है ये आंख ना दीदा काले कसीदा। दूसरा है चांदी का जूता का अर्थ क्या है? चांदी का जूता, तो चांदी का जूते का अर्थ होता है रिश्वत। क्या होता है? रिश्वत। अगला है ओछे की प्रीत बालू की भीत, ओछे की प्रीत बालू की भीत, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है नीच से मित्रता। क्या? नीच से मित्रता। अगला है अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो इससे इसका अर्थ होता है मनचाही बात पूरी होना। अंधा क्या चाहे दो आंखें, अर्थात आपकी कुछ एक मुरादें होती हैं वो पूरी हो, उसे ही कहेंगे मनचाही बात पूरी होना। अकल के अंधे गांठ के पूरे, अकल के अंधे गांठ के पूरे, इसका अर्थ होता है मूर्ख लेकिन धनवान, मूर्ख लेकिन धनवान। अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा सब एक समान, अंधों में काना राजा अर्थात सभी के लिए एक समान फरमान लागू करना, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कक्षा में कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे और सिंसियर बच्चे भी होते हैं, परंतु कोई कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही शरारती होते हैं, और शिक्षकों के साथ वो कई ऐसे भद्दे मजाक कर देते हैं, फिर कक्षा में क्या होता है, सभी को एक तरह से दंडित किया जाता है। इसलिए होता है अंधों में काना राजा। इसलिए कई बार बुरे के साथ अच्छे लोग भी, अच्छे लोगों को भी हानि उठानी पड़ती है, इसी का ये तात्पर्य होगा। अगला है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना अर्थात अपनी तारीफ स्वयं करना। आम के आम गुठलियों के दाम अर्थात ज्यादा लाभ होना, आम के आम गुठलियों के दाम ज्यादा लाभ होना। अंत भले का भला कार्य पूरा हो जाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मतलब बिन बुलाए जाना। शादी में किसी को न्योता नहीं होता फिर भी वो जाता है, तो वो है बिन बुलाए मेहमान। उदाहरण के लिए आपने थ्री इडियट मूवी देखी होगी, उसमें क्या होता है, जो तीन इडियट्स कहे जाते हैं तो वो अपने सर की शादी में बिना बुलाए चले जाते हैं, उनके लिए ये डायलॉग होता है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। शर्म की बहू नित भूखी रहे, शर्म की बहू नित भूखी रहे, अर्थात खाने पीने में शर्माना नहीं चाहिए, नहीं तो आप भूखे भी रह सकते हैं। अगला है एक ही थैली के चट्टे बट्टे अर्थात सभी एक समान है। अगला है आधा तीतर आधा बटेर अर्थात बेमेल जोड़ी। उदाहरण के लिए कोई बहुत ही विद्वान व्यक्ति हो, उसका कोई ऐसा मित्र हो जो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बातें करे, उनकी जोड़ी के लिए कई बार कहा जाता है आधा तीतर आधा बटेर। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इसका अर्थ होता है आसानी से कार्य का होना। अगला है नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान अर्थात अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। अगला है लेना एक ना देना दो, क्या है? लेना एक ना देना दो, कोई मतलब ना होना। फिर है लकीर का फकीर अर्थात अत्यंत रूढ़िवादी, लकीर का फकीर मतलब अत्यंत रूढ़िवादी। अंतिम है प्राण जाए पर वचन ना जाए, अपनी बात के पक्का होना, इसलिए कहा जाता है प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। फिर देखिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 115 का जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा आपका विकल्प, इसका मैंने नहीं बताया था ना, ताल ठोकना मुहावरे का अर्थ होता है लड़ाई के लिए ललकारना। सी चलो भाई, ये पेन क्यों नहीं चल रहा? अगला देखिए 116। गुरु नानक देव के पिता का क्या नाम था? जो गुरु नानक देव हैं इनके संबंध में कुछ तथ्य बता देता हूँ। जो गुरु नानक देव है ये सिखों के एक तरह से
प्रथम गुरु माने जाते हैं। सिखों में मुख्यतः 10 गुरुओं की प्रणाली है। 10 गुरु इनमें मुख्य तौर पर माने जाते हैं। पहले थे गुरु नानक देव और अंतिम थे गुरु गोविंद सिंह। जो गुरु नानक देव है ये हर जगह भ्रमण करते थे और लोगों को सही मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करते थे। इनके 2 शिष्य भी काफी प्रसिद्ध हैं, बाला और मर्दाना। बाला और मर्दाना। और जो गुरु नानक देव है इनका जन्म हुआ था जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में तलवंडी साहिब है वहां पर हुआ था। ठीक है। और इनके जो पिता का क्या नाम था, पिता का नाम ही इनका कालू चंद खत्री। और ये भी आपके जो संत आते हैं भक्ति काल के अंतर्गत, निर्गुण संत, उनके अंतर्गत आते हैं ये। जो सूर है के ऐसे खिगियात का कछु भगवत लीला वर्णन करो। सूरदास के विषय में ये कथन किसने कहा था? सूर होई के ऐसे घिघियात हो कछु भगवत लीला वर्णन करो, कुछ इस तरह की ये पंक्ति है। तो यहाँ जो सही जो विकल्प हो जाएगा, ये पंक्ति कही गई थी बल्वाचार्य के द्वारा। पूरी कथा इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल जो सूरदास थे शुरुआत में ये भक्ति भक्ति के अंतर्गत लीन तो थे, परंतु उतना ये अपना जो समर्पण जो भाव थे वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति नहीं लगाते थे। थोड़े से होता है ना, जब शुरुआत में हम होते हैं तो अपना पूरा डेडिकेशन एक चीज को नहीं दे पाते। इसी तरह जो महात्मा सूरदास है इनके साथ भी ऐसा ही होता है। एक बार ऐसा होता है कि जो बल्वाचार्य हैं ये इनके क्षेत्र में भ्रमण कर रहे होते हैं, तो उसी समय जो सूरदास है ये बल्वाचार्य से मिलने चले जाते हैं और अपने कुछ इनकी रचनाएं हैं वो सूरदास बल्वाचार्य जी को सुना देते हैं। तो उस समय इनकी जो रचना है उतना जो प्रभाव जो एक दास को अपने भगवान के प्रति अपने मालिक के प्रति देनी होती है वो नहीं होती। दास और भगवान से तात्पर्य है जो सूरदास थे ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति शुरुआत से ही करते थे, परंतु उतना डेडिकेशन नहीं था उनकी पंक्तियों में। तो जब बल्वाचार्य थे ये इनसे मिलते हैं और जो सूरदास से थोड़ा सा घबराने लग जाते हैं, बोलते हैं मुझे क्या करना चाहिए, मेरा भक्ति में मन नहीं लगता है, जिस तरह के पद में रचना चाहता हूँ उस तरह से पद मुझसे नहीं रचे जाते, तो आप मुझे गाइड करिए क्या करना चाहिए मुझे। तो बल्वाचार्य ने उस समय ये पंक्ति सूरदास से कही थी, जो सूर है के ऐसे घगियात हो कछु भगवत वर्णन किया करो। तो ये पंक्ति कही थी, ये बस पंक्ति कही इन्होंने। उसके बाद जो सूरदास से ऐसे मुड़ गए, ऐसा इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करने लगे कि जो कहा जाता है सूरदास, इन्होंने जो वात्सल्य रस का इतना सुंदर वर्णन किया है, आगे की जितने भी विद्वान आए वो सूरदास के जूठन के समान इन्होंने वात्सल्य वर्णन किया है। सूरदास के समान वात्सल्य वर्णन आज तक कोई नहीं कर पाया। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो कहा भी था कि वात्सल्य सम्राट सूरदास को कहा जाता है। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप इतना गहराई से इतनी सुंदरता से वर्णन किया है कि जो आंख वाला बंदा होगा वो भी इतना सुंदर वर्णन नहीं कर सकता। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि सूरदास के द्वारा जो वात्सल्य रस है, वात्सल्य वर्णन प्रस्तुत किया गया है, वो आगे किसी से नहीं करा जाएगा। आगे जो भी करेगा वो तो सूरदास की जूठन लगेगी। ठीक है। इस तरह की कुछ पंक्तियां हैं, ध्यान रखिएगा। कभी आपको थोड़े से प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे तो आप सही उत्तर करोगे, मुझे पूर्ण आशा है। बल्वाचार्य ने कहा था ये। बल्वाचार्य कौन थे? विट्ठलनाथ के पिता थे। और जो विट्ठलनाथ थे ये गोकुलनाथ के पिता थे। 252 वैष्णवों की वार्ता जो गोकुलनाथ के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखिए, 118। इसमें क्या पूछा गया है? तो 118 में आपसे पूछा गया है, हिंदी को कब राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया गया? तो हिंदी को जो राजभाषा के तौर पर प्रतिष्ठित किया गया, 14 सितंबर 1949 को। विकल्प डी यहां पर सही होगा। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूं मैं। और एक और प्रश्न बताइएगा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर दिया करो दोस्तों, आपको लाभ मिलेगा इस चीज का। बार बार जोर देकर कहता हूँ, उत्तर नहीं देते आप किसी भी प्रश्न का, तो ये तो आपको ही से लाभ है, किसी अन्य को कोई लाभ नहीं है। 119, टिप्पणी किस पुरुष में लिखी जाती है? टिप्पणी किस पुरुष में लिखी जाती है? उत्तम मध्यम या प्रथम पुरुष में, ये बताइए। 119 में सही विकल्प क्या होगा? तो सही जो विकल्प होगा वो होगा डी, अन्य पुरुष में। डी का डी, 119 का डी। सुख कहानी किसकी है? सुख कहानी किसकी है? 120 का सही विकल्प बताइएगा। तो 120 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा काशीनाथ सिंह की। काशीनाथ सिंह की।
देखिएगा इस तरह के जो प्रश्नोत्तरी होती है वो आपको, जो हमारा दूसरा चैनल है जहाँ पर आपको शॉर्ट वीडियोस मिलती हैं 1 मिनट से भी कम, वहाँ पर लगभग 10-10, 15-15 प्रश्न डेली लाता हूँ, तो उनको भी देखा करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा आप उसको, और वहाँ के जो भी टॉपिक्स आपको मिलते हैं तो देखने हैं आपने। आपको LTHSC परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो चैनल देखना। अगला है, इनमें से किस राज्य से झारखंड की सीमा नहीं लगती? झारखंड राज्य है वो किस राज्य से अपनी सीमा नहीं बांटता दिए गए विकल्पों में से? तो 121 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा, देखिए, उत्तर प्रदेश के साथ बांटता है, छत्तीसगढ़ के साथ भी, पश्चिम बंगाल के साथ भी, परंतु जो सही होगा यहाँ पर, मध्य प्रदेश के साथ झारखंड अपनी सीमा नहीं बांटता, तो डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 122, इनमें से किस अधिनियम को भारतीय दंड संहिता भी कहा जाता है? तो 122 में सही विकल्प हो जाएगा IPC की धारा, इसे भारतीय दंड संहिता भी कहा जाता है, IPC, विकल्प ए। अगला है 123, 1992 में दंगों जैसी स्थिति से निपटने के लिए इनमें से किस बल की स्थापना की गई थी? तो जो सही विकल्प होगा 123 का, तो वो हो जाएगा रैपिड एक्शन फोर्स। ये जो देखिए ज्यादा नहीं होती है, थोड़े से ही होते, 10-15 होते हैं ये, ज्यादातर 10-15 ही आते हैं ये, छोटी सी अपनी गाड़ी में। और ये क्या करते हैं, जैसे पुलिस वाले होते हैं, थोड़ा सा लोगों को मनाने लग जाते हैं कि ऐसा कार्य मत करिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। थोड़े से जो रैपिड एक्शन फोर्स वाले होते हैं, थोड़ी से पुलिस की तरह होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, ये कुछ नहीं बोलते हैं, जो एक तरह से दंगा करने की कोशिश करते हैं, भड़काऊ भाषण इत्यादि देते हैं, कुछ भी हिंसात्मक या फिर ऐसे कार्य करते हैं जिससे पब्लिक को नुकसान हो या फिर पब्लिक को परेशान करते हैं, वहां पर ये रैपिड एक्शन फोर्स वाले जाते हैं और सीधे डंडे बरसाते हैं, और बातें नहीं करते, ये डंडे बरसाने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें रैपिड एक्शन फोर्स कहा जाता है। कब स्थापना की गई थी? 1992 में दंगों जैसी स्थिति से निपटने के लिए। अगला है 124, वाहनों के संदर्भ में दिल्ली सरकार द्वारा लागू ऑड इवन योजना में ऑड इवन का क्या मतलब है? ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया था ऑड इवन सिस्टम, ठीक है, तो इसमें जो क्या तात्पर्य निकलता है इसका, तो ये निकलता है रजिस्ट्रेशन वाले नंबर, अर्थात एक दिन ऑड नंबर वाली गाड़ी चलेगी, दूसरे दिन इवन नंबर वाली गाड़ी चलेगी। वर्तमान में तो शायद ये बंद हो गया, परंतु ये पहले शुरू किया गया था ऑड इवन सिस्टम। अगला है 125, मिसाइल परीक्षण के लिए प्रयोग किए जाने वाला डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप किस भारतीय राज्य के तट में स्थित है या समीप है? डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो 125 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा आपका ओडिशा में है। अगला प्रश्न देखिए 126, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा माना जाता है? तो सही जो विकल्प हो जाएगा यहाँ पर शुक्र, शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो जो पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है राजस्थान में, राजस्थान के पुष्कर में। अगला प्रश्न देखिए 128, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? जो हमारे नाखून है ना, यहाँ पर नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कीरेटीन, कीरेटीन ये प्रोटीन पाया जाता है, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? ये जो प्रश्न है ये दो तरह से मैं आपको बताऊंगा। जब मतलब 2000, ये प्रश्न पत्र 2020 का है, उस समय जो रक्षा मंत्री थे वो भी बता देता हूँ, जो वर्तमान में है वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक। तो देखिएगा 129 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा राजनाथ सिंह, 129 में राजनाथ सिंह बी।
2020 में भी राजनाथ सिंह ही भारत के रक्षा मंत्री थे, और वर्तमान समय की बात करूं तो इस समय भी राजनाथ सिंह ही भारत के रक्षा मंत्री होंगे। ठीक है, थोड़े से और तथ्य भी बता देता हूँ। भारत के सर्वप्रथम रक्षा मंत्री कौन स्वीकार किए जाते हैं? बलदेव सिंह, लिख लीजिएगा, बलदेव सिंह भारत के स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए भारत के शिक्षा मंत्री कौन है 2024 में, तो भारत के शिक्षा मंत्री है 2024 में श्री धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम। कौन? मौलाना अब्दुल कलाम। और भी प्रश्न बता देता हूं आपको। जैसे अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री, फिर से देखिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो ये हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए, वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री कौन है वर्तमान में? वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री कौन है? तो ये हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए, विदेश मंत्री कौन है वर्तमान समय में? तो वर्तमान समय में विदेश मंत्री है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ये विदेश मंत्री है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए, आवास और शहरी कार्य मंत्री तथा ऊर्जा मंत्री कौन है वर्तमान समय में? तो यह है श्री मनोहर लाल। कौन है? श्री मनोहर लाल। इसी के साथ ये देखिए, और भी तथ्य आपको बता देता हूँ। अगर ये प्रश्न पूछा जाए, भारत का खेल मंत्री कौन है वर्तमान में? तो ये मनसुख मंडाविया है। मनसुख मंडाविया, ये भी आपको याद रखना। चलिए, ये प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। जो भी तथ्य मैंने आपको बताया, इनको नोट करिएगा। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट परीक्षा में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो 130 का प्रश्न, 130 देखिए, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? 130 में जो सही विकल्प हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विकल्प ए, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, 130 का ए, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर प्रश्न आपसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए ना, इसकी नियुक्ति कौन करता है मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और इनकी जो अवधि होती है, ये 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु होती है। जो भी पहले हो तो उसे ये स्वीकार किया जाता है कि आपका अब समय हो गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए कह रहा हूं मैं। देखिएगा, आपको थोड़ी सी चीजें और बता देता हूँ। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता ना कि 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये होंगे श्री सुशील चंद्रा। कौन होंगे? श्री सुशील चंद्रा, ये भी आपने ध्यान रखना है। और जो पहले हैं ये तो सुकुमार सेन थे। कौन? सुकुमार सेन पहले, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में। पैटर्न धीरे धीरे ये बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं कि जैसे परीक्षाएं ज्यादा बच्चे पास ना कर सके, इसलिए मुश्किल प्रश्न भी पूछने शुरू कर दिए हैं इन्होंने।
इसलिए आपने हर तरह से तैयारी करते रहना है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, 131। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका 131 का कौन सा, अजीत डोभाल। डी सही विकल्प है, अजीत डोभाल है। ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे 2000, अगर मैं 2020 की बात करूं उस समय की। अगर हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो वर्तमान समय में भी अजीत डोभाल ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। कौन? अजीत डोभाल ही। थोड़े से फैक्ट और अगर मुझे मिल जाते हैं वो आपको बता देता हूं। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। अजीत कुमार डोभाल भारत के प्रधानमंत्री के पांचवें और वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेवारत हैं। कितनवे? पांचवें और वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेवारत हैं। ये केरल कैडर के एक सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सदस्य हैं, आईपीएस के सदस्य हैं ये सेवानिवृत्त। उन्होंने 2004 से 2005 तक पूर्व भारतीय खुफिया और कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में भी कार्य किया। ये कीर्ति चक्र मेधावी सेवा पाने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पुलिस अधिकारी थे, जिन्हें सैन्य कर्मियों के लिए वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार द्वारा जो सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में भी भारत ने जो सीमा पर बालाकोट हवाई हमले किए थे, उनकी जो देखरेख थी ये भी अजीत डोभाल के द्वारा ही की गई थी। और जो एक और मुख्य प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे, तो ये थे ब्रजेश मिश्रा। कौन? ब्रजेश मिश्रा। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न घुमा फिराकर पूछे जाते हैं वर्तमान समय में। अगला प्रश्न क्या है, 132। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? 2020 की ये बात की जा रही है तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा वर्तमान की बात की जाए तो ये होगा विकल्प बी, शक्तिकांत दास। यहाँ पर जो वर्तमान समय 2024 की बात करूं, श्री शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की फुल फॉर्म होती है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं। सरकार ने दिसंबर 2024 तक उनके कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। 11 दिसंबर 2018 को उन्हें आरबीआई का 25वां गवर्नर नियुक्त किया गया था। कब? कितनवा? 25वां गवर्नर नियुक्त किया गया था 11 दिसंबर 2018 को। तब से ये कार्यरत हैं। बस यही प्रश्न पूछा जा सकता, महत्वपूर्ण और तो क्या ही होगा। अगला ये प्रश्न है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। कि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 133 में जो सही विकल्प होगा, जो 2020 के आसपास जो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे तो वो कौन थे? तो वो थे आपके सौरव गांगुली। विकल्प ए होगा 2020 के अनुसार से। परंतु अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, अभी ये अध्यक्ष तो कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई के अध्यक्ष थे जय शाह, ठीक है, उन्होंने मतलब आईसीसी के लिए अपनी ये पदवी छोड़ दी थी। तो इस समय जो अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत हैं तो वो रोजर बिन्नी
ये हैं रोजा बिन्नी, राजीव शुक्ला, ये कार्यरत इस समय ये कार्य देख रहे हैं बीसीसीआई का अध्यक्ष के तौर पर। तो ध्यान रखना है रोजर बिन्नी वर्तमान समय में एक तरह से कार्यवाहक बीसीसीआई अध्यक्ष रखे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 134। 134 में क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। 134 में सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है 135, मास्टर माइंड डैश की आत्मकथा है, किसकी होगी ये मास्टर माइंड आत्मकथा, तो ये हो जाएगी विश्वनाथ आनंद। जो विश्वनाथ आनंद है ये आपके चेस प्लेयर है। अगला देखिए रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो जो रेबीज के टीके की खोज की गई थी ये की गई थी लुई लुईज पाश्चर, लुईस पाश्चर या लुई पाश्चर कहा जाता है। डी हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध काफी प्रसिद्ध युद्ध है ये, तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप। जो जिला दर्रा भारत के किस स्थान पर स्थित है, तो जो जो जिला दर्रा है ये भारत के लद्दाख में स्थित है, भारत के लद्दाख में। सूरज के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो जो सूरज के प्रकाश से विटामिन मिलता है ये विटामिन डी मिलता है, कौन सा विटामिन डी। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो जो भारत में न्यायालयों की संख्या है 25 है, कितनी 25, विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो जो गीत गोविंद है ये लिखा गया था जयदेव के द्वारा, जयदेव। हिमाचल जिले में लिंटन मेमोरियल स्थित है, लिंटन मेमोरियल, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो सही जो विकल्प हो जाएगा सिरमौर में है ये। कुल्लू दशहरा कहाँ पर लगता है, ढालपुर ग्राउंड में, ये भी आपको याद रखना है। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो 143 का सही विकल्प हो जाएगा लाहौल स्पीति में। अगला प्रश्न है यहाँ पर 144, कौन सी पर्वत श्रृंखला किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करती है, तो ये करती है आपकी जास्कर श्रृंखला, कौन सी जास्कर श्रृंखला विकल्प ए। अगला प्रश्न है 145, हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर स्थित है, तो ये होगा आपका चंबा में। अगला प्रश्न है 146, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो है 7.4, विकल्प ए। मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है, तो मनुष्य का सामान्य तापमान जो होता है वो स्वीकार किया जाता है 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री ये भी होता है, 310 के ये भी होता है, ये सभी होते हैं, 147 का होगा विकल्प डी। अगर इस तरह से सभी सभी इस तरह लिखा जाता है कई बार ऑप्शन में, तो ये सही होते हैं कि मान लीजिए सभी के तौर पर ये सही होगा, इसलिए डी पे भी आप टिक लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको 100% सही नहीं होगा, परंतु 90% संभावना ये होती है कि इस तरह के तथ्य जब दिए जाते हैं तो सभी वाला विकल्प सही होता है। अगला है 148, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो यह है 3:2। अगला प्रश्न देखिए 149, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, विकल्प सी यहां सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 150, सेवी की स्थापना कब हुई थी, तो जो सेवी की स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1988 में, कब
1988 में। विकल्प यहाँ पर जो सही होगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए। याद रखना है आपको, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इस तरह के तथ्य आपसे। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी की फुल फॉर्म होगी। और कुछ और तथ्य आपको बता देता, अगर प्रश्न आपसे ये पूछा जाता, हमने ऊपर डिस्कस की थी, आप किया था बीसीसीआई को, तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है। और अगर ये प्रश्न पूछा जाता कि कब इसे स्थापित किया गया था, 1928 के आसपास इसे स्थापित किया गया था, 1928। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। मुझे पूर्ण आशा है कि ये आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे सारे के सारे तथ्य। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार फिर से, जो हमारी टीम के द्वारा एलटी कमीशन और एलटी टेट के लिए कोर्स लॉन्च किए गए हैं, अगर आपके नियर डियर कोई है एलटी कमीशन या एलटी टेट के लिए तैयारी कर रहा, तो आप अवश्य जुड़ेगा और समय पर अपनी तैयारी करिएगा, क्योंकि पता नहीं कब पोस्टें निकलेंगी और उस समय आपका समय भी नहीं होगा। इसलिए शुरू से अगर आपको तैयारी करते रहेंगे तो आपको फायदा होगा। क्योंकि देखिए, अगर एक बात करूँ मैं, जो पीजीटी का रिजल्ट आया, इसमें दोस्तों कोई कुछ एक को छोड़ के ऐसे कैंडिडेट अधिकतर थे जिन्होंने सालों से मेहनत की थी। जब उन्होंने सालों से मेहनत की ना, तभी जाके वो कामयाब हुए। तो मुझे जब पीजीटी की फाइनल रिजल्ट आया था, दो चार बच्चों की कॉल आई थी कि सर जो ये रिजल्ट है, जो ये पॉजिटिव रिजल्ट रहा, इसके लिए हमने कई कई सालों से मेहनत की थी। ठीक है, इसमें ऐसा हुआ कि अधिकतर जो इसमें लगे हुए ना, तो वो जैसे जो गृहणियाँ थी, अर्थात जो जॉब करते थे या फिर अपने गृह कार्य करते थे, जो अपना होम डिपार्टमेंट संभालते थे, बच्चों को संभालते थे, वो इसमें लगे। क्यों? वो जो महिलाएं थी, जो वो लड़कियां थी, वो बड़े लंबे समय से तैयारी कर रही थी। कोई कोई 3 4 4 साल से तैयारी कर रही थी। उन्होंने शुरू से ही सोचा था कि हम तैयारी करेंगे पीजीटी हिंदी के लिए, और वो कामयाब भी हुए। मेरे एक सीनियर थे, एक ठीक है, कुल्लू से ही थे, वो बड़े लंबे समय से वो तैयारी कर रहे थे। जब हम शिमला में तैयारी कर रहे थे नेट जेआरएफ की, जिस समय मेरा एमए में वहां पर हुआ था, एमए और फिर बाद में एमफिल में, तो उस समय मुझे वो मिले थे। और जब वर्तमान समय में उनका सिलेक्शन हुआ, तो मुझे किसी ने बताया कि उनका भी सिलेक्शन हुआ। बड़े लंबे समय से वो तैयारी कर रहे थे, उस समय कह रहे थे कि पीजीटी की हमने तैयारी करनी है। तो देखिए कितने लंबे अरसे से लोग तैयारी करते हैं। जब आप लंबे अरसे से तैयारी करते हैं तन मन धन से, तो आप अवश्य कामयाब होते हैं। तो इसलिए आपको ये नहीं देखना है कि एलटी कमीशन वर्तमान में आ रहा है या नहीं आ रहा है, परंतु ये आएगा, निश्चिंत है ये। तो निश्चित जो चीजें होती है वो आएगा ही आएगा, तो आपको तैयारी करते रहना है। कल परसों के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है, जो करना है आज करना है, तन मन धन से करिए। एक और बात, अगर आप, ये मैं यहाँ पर जोर देकर नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे माध्यम से ये तैयारी करें या कोर्स लीजिए, जो हमारी यूट्यूब पे फ्री वीडियोस आती हैं, वो भी इनफ होती है आपको परीक्षा को क्रैक करने के लिए। परंतु ये आपको पता होना चाहिए कि कोई कौन सी वीडियो कैसे कब क्यों देखनी है, तो ये आपको बताते हैं हम कोर्स में। तो आप सेल्फ स्टडी भी करिए, अगर कोई सेल्फ स्टडी करने में असमर्थ है तो वो कोर्स ले सकता है, ठीक है। बाकी हार्ड कॉपी नोट्स भी एलटी टेट एलटी कमीशन के लिए अवेलेबल हैं, तो आप हार्ड कॉपी नोट्स को भी अपने घर में मंगवा सकते हैं और तैयारी कर सकते हो। फिर देखिए, वीडियो को समाप्त करने से पहले थोड़ी सी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मंडी डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले का तिब्बती नाम जाहोर था। तो हिमाचल प्रदेश का वो जिला जिसका नाम जाहोर था, तो वो मंडी था। कौन सा? मंडी। अगला है, सन 1804 में बिलासपुर, मंडी, चंबा के शासकों और कांगड़ा जिले के छोटे राजाओं ने कांगड़ा को जीतने के लिए किसे आमंत्रित किया था। तो ये था, गोरखा सेना अध्यक्ष था अमर सिंह थापा। अगला है, बंगाल रियासत के किस राजा को मंडी के राजा सिद्ध सिंह ने धोखे से मार दिया था। ये जो है पृथ्वीपाल, बंगाल रियासत। अगला प्रश्न है, मंडी के किस राजा ने शिवरात्रि मेले को एक सांस्कृतिक त्योहार का स्वरूप दिया। तो ये है सूरज सेन। अगला प्रश्न है, किन पहाड़ी रियासतों के शासकों के एक पूर्वज एक ही वंशज के थे। तो ये थे मंडी, सुकेत और क्योंथल के।
अगला प्रश्न है, वर्ष 1914 से 15 के प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया? वर्ष 1914 से 15 के प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व किया था मियां जवाहर सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, पंचवक्त्र मंदिर किस कस्बे में है? जो पंचवक्त्र मंदिर है ये आपके मंडी में है। ये फिलहाल जब हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई थी ना, खासकर कुल्लू मंडी में, तो उस समय ये मंदिर काफी चर्चित हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1906 में मंडी के किस राजा ने दरबार हाल बनवाया था? वर्ष 1906 में मंडी के जो राजा थे जिन्होंने दरबार हाल बनाया था, ये भवानी सेन थे। कौन? भवानी सेन। अगला प्रश्न है, ऊहल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चलाई गई है? तो जो ऊहल जल विद्युत परियोजना है ये मंडी में चलाई गई है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद विभाग ने मंडी जिले में किस स्थान पर हर्बल गार्डन स्थापित किया? तो जो आयुर्वेद विभाग ने मंडी जिले के जोगिंदर नगर में हर्बल गार्डन स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, नबाही देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के किस कस्बे के पास स्थित है? तो जो नवाही देवी मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट कस्बे में स्थित है। अगला है, सिरमौर क्षेत्र के हार नामक लोकगीत और बिलासपुर मंडी तथा कांगड़ा क्षेत्रों के झेड़ा लोकगीत का विषय क्या है? तो झेड़ा लोकगीत है और हार लोकगीत है, इनका जो विषय है यह पराक्रम अर्थात वीरतापूर्ण कार्य करना, ये इसका विषय होगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी जिले को जोड़ता है? तो जो कुल्लू और मंडी जिले को जोड़ता है ये होगा दुलाची दर्रा, या दुलची दर्रा भी कहा जाता है, दुलाची दर्रा भी। अगला है, हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के पास ब्यास नदी पर विक्टोरिया ब्रिज किस वर्ष बनाया गया था? तो हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के पास जो ब्यास नदी पर विक्टोरिया ब्रिज है ये बनाया गया था 1878 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कुल्लू रियासत के राजा अजीत सिंह के किस चाचा ने कांगड़ा और मंडी के राजाओं की मदद से कुल्लू पर आक्रमण कर दिया और अंत में मंडी के राजा की दगाबाजी के कारण हार गया? तो ये किशन सिंह होंगे। कौन? किशन सिंह। फिर दो चार प्रश्न और देख लेते हैं। 1909 में मंडी के राजा के विरोध किसने आंदोलन किया था? तो 1909 में मंडी के जो राजा थे इनके विरोध में आंदोलन शुरू किया गया था शोभा राम के द्वारा। किसके द्वारा? शोभा राम के द्वारा। अगला है, हिमाचल प्रदेश प्रादेशिक परिषद के अध्यक्ष ठाकुर करम सिंह मंडी जिला के किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो ये चचियोट से संबंध रखते थे। अगला है, बंगाल के किस राजा की मंडी के राजा सिद्धसेन ने धोखे से हत्या की थी? तो ये जो बंगाल के राजा थे पृथ्वीपाल। कौन? पृथ्वीपाल। अगला प्रश्न है, शिकारी देवी वन्य प्राणी शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के किस कस्बे के पास है? तो यह है सुंदरनगर में। कहाँ? सुंदरनगर में। फिर मंडी जिले में जो शिवरात्रि मेला चलता है ये कितने दिनों तक चलता है? 7 दिनों तक। अगला है, मंडी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 14वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, चौहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो मंडी में है। चौंतला घाटी कहाँ पर है? मंडी में है। फिर मंडी में जो ब्यास नदी के ऊपर विक्टोरिया ब्रिज बनाया गया है किसके द्वारा बनाया गया था? विजय सेन के द्वारा। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मनमोहन सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, माहू नाग मेला कहाँ पर मनाया जाता है? तो जो माहू नाग मेला है ये मंडी के करसोग में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंगोरा खरगोश प्रजनन केंद्र मंडी में कहाँ पर है? नगवाई में। और मंडी में नमक की खाने कहाँ पर स्थित है? गुमा और द्रंग में। फिर है, किस झील के किनारे हिंदुओं सिखों और बौद्धों का तीर्थ स्थान है? तो रिवारसर जो मंडी जिला में स्थित है यहाँ पर है आपके हिंदुओं सिखों और बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थान। छोटी काशी के नाम से किसे जाना जाता है? मंडी को जाना जाता है छोटी काशी के नाम से। मंडी नगर की स्थापना 1527 में किसने की थी? तो मंडी नगर की स्थापना 1527 में अजवर सेन के द्वारा की गई थी। शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? मंडी में है। 1914 से 15 में मंडी षड्यंत्र मुख्यतः किससे प्रभावित था? तो जो मंडी षड्यंत्र 1914 से 15 में प्रभावित माना जाता है गद्दर पार्टी से।
अगला है 1934 ईस्वी में पंचायती राज अधिनियम पारित करने वाला प्रथम राज्यशाही राज्य कौन था? मंडी। अगला है खैरगढ़ की रानी नाम से संबंधित था, किस जगह की रानी थी खैरगढ़ की रानी? मंडी षड्यंत्र से संबंधित थी ये। बांदली वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? मंडी में है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से जुड़ी हुई है? तो मंडी की। मंडी का शिवरात्रि मेला किसने प्रारंभ किया था? अजवर सेन के द्वारा। कुमारवाह झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये मंडी में है। तो ये तथ्य ये आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये आपको परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मुझे पूर्ण आशा है कि ये लेक्चर आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि नेक्स्ट परीक्षा में कभी अगर आपसे मंडी जिले से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इन्हें पूर्णतः सही कर सकते हो। ठीक है, तो फिर से कहता हूँ, अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने जो लक्ष्य को है प्राप्त करने की पूर्ण कोशिश करिएगा। आप अवश्य अपने गोल को प्राप्त करने में कामयाब होंगे। आप अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।